हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरोही और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरोही की एडवाइस। 5 टॉप मोस्ट गिफ्ट आइडियाज़। जी हाँ, आज सबसे डिफरेंट और सबसे अलग आपको पता चलेगा। ये जो आइडियाज़ है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको बताओ सारे ना 70 सेंचुरीज के आइडियाज़ को बताते हैं कि गिफ्ट ऐसे होने चाहिए, लेकिन 21st सेंचुरी में ना 70s के फॉर्मूलाज नहीं चलते और आज के गिफ्ट देने के तरीके कुछ अलग हैं। तो क्या है नया और कैसे देने चाहिए आपको गिफ्ट ताकि आपको हमेशा याद करें, यानी आपका लाइफ पार्टनर आपको अगर ब्रेकअप भी हो जाए ना, फिर भी वो आपको भूल नहीं पाए, या फिर कोई भी कनेक्शन हो आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, आप अपनी वाइफ, हस्बैंड या फिर कोई भी लव रिलेशनशिप में हो, तो आप ये सारे गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जिससे आप प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर लव रिलेशनशिप हो, यानी आप जिससे भी प्यार करते हैं, स्पेशल जिसको फील कराना चाहते हैं, ये सब सारी मेमोरेबल गिफ्ट जो आपको देनी है ना, ये 5 टॉप मोस्ट आइडियाज़ जो आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। अगर आप ये सारे गिफ्ट दोगे तो 100% लोग आपको ना भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए इस पूरे वीडियो में जानते हैं कि क्या है वो टॉप मोस्ट आइडियाज़, 5 गिफ्ट आइडियाज़। दोस्तों, आपको पता है ना कि हर एक कोई आपको तब तक याद रखता है जब तक आप उसके फीलिंग को टच करते हो, यानी कि जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, जब आप उसकी फीलिंग से कनेक्टेड होते हो, तब तो कोई आपको हमेशा याद रखेगा ना, वरना तो आपको सब भूल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं ना कि पहला प्यार है, क्या गिफ्ट दें, समझ नहीं आ रहा। किसी से गिफ्ट के आइडियाज़ भी लेते हो तो पुरानी ही आइडियाज़ दी जाती हैं, क्या आप उसे फ्लावर दे दो, चॉकलेट दे दो, पर ये सब मैं नहीं कहूँगी, ये तो सब करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा और कुछ अच्छा करें, यूनिक करो, अच्छा लगेगा। फीलिंग से कनेक्टेड होना है ना किसी के, तो सबसे पहले उसके ड्रीम से कनेक्टेड होना पड़ता है। ये तो हम सबको पता है कि 21st सेंचुरी में सब ड्रीम से कितना प्यार करते हैं और सबको अपनी हॉबीज़ और ड्रीम्स काफ़ी प्यारी होती हैं, तो सबसे पहले क्यों ना यही फर्स्ट आइडिया हुआ जाए। आपको बता दूं कि सबसे पहले आप किसी को समझते हो तो आपको इतना तो पता होता है कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है और उसके ड्रीम्स क्या क्या हैं, तो उनकी हॉबीज़ ही उनकी पहली गिफ्ट होती है। अगर आप किसी से पहला गिफ्ट देना चाहते हो तो सबसे पहले उसे उसकी हॉबीज़ वाली गिफ्ट दो। सपोज़ किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग, तो किसी को ट्रैवलिंग, तो उसी से रिलेटेड क्यों ना कोई अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए। तो सबसे पहला है ड्रीम गिफ्ट। सपोज़ किसी को गिटार बजाना बहुत पसंद है, क्यों ना उसे गिटार ही गिफ्ट कर दिया जाए। जब भी वो उसे बजाएगी या फिर बजाएगा तो फिर उसे आपकी याद तो ज़रूर ही आएगी, या फिर उनकी कोई और फेवरेट चीज़। किसी को डांसिंग पसंद है तो उसे क्यों ना घुंघरू वाली पायल गिफ्ट की जाए। किसी को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है तो इसी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी गिफ्ट होती है जो उसके ड्रीम से रिलेटेड होती है, क्योंकि ड्रीम्स जो हैं वो उसके हार्ट को टच करते हैं, और जब आप उसके ड्रीम्स को लेकर उन्हें गिफ्ट देते हो ना, तो वो डबल खुश हो जाते हैं और वो आपको फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। सेकेंड जो गिफ्ट है ना वो है फ़ोटो फ्रेम। अब फ़ोटो फ्रेम क्यों, आपको होगी कि फ़ोटो फ्रेम की आइडियाज़ तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन ऐसी नहीं है। फ़ोटो मैं देखो तेरी फ़ोटो, ऐसे वाले गाने ना, तो आपको बता दूँ ना कि फ़ोटो फ्रेम की जो बात है ना, उसमें से आपको फ़ोटोज़ फ्रेम वाली गिफ्ट करनी है। अब किसी और को नहीं, सिर्फ उन्हीं की फ़ोटोज़ जिनकी आप देना चाहते हो, तो उनकी फ़ोटो एक स्माइल वाली, एक अच्छी वाली है, जो सबसे अच्छी उनको लगती है, आपको लगती है, या फिर हो गई उनकी पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट का ना ट्रेंड काफ़ी चला हुआ है इन दिनों, कि लोग पोर्ट्रेट बनवा के दे रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा फील हो। सबसे स्पेशल जो फील कराना है तो पोर्ट्रेट हो गया सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट धमाकेदार गिफ्ट आइडिया, सबसे हटके है, आप देखो अच्छा लगेगा। थर्ड हो गई स्पिरिचुअल गिफ्ट, यानी कि थर्ड जो गिफ्ट आइडिया है वो है आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट। अब आपको कि स्पिरिचुअल गिफ्ट यानी किसी को गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, या वो ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, ऐसे होते हैं ना विश्वास रखने वाले कि नहीं ईश्वर पे काफ़ी भरोसा है, तो उनके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट का आइडिया काफ़ी बेस्ट होता है। सपोज़ वो आप इस गिफ्ट के रूप में उन्हें एक हॉली बुक दे सकते हो,
जो उन्हें अच्छी लगती है, या फिर किसी ईश्वर की मूर्ति जो जो उनके आइडल होते हैं, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा मानती हो या मानते हो, उनके लिए आप नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे सकते हो, क्योंकि ये जो गिफ्ट होते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और वो खुश होते हैं इन्हें पाके। मोस्टली ये केसेस में देखा गया है कि ये जो गिफ्ट होते हैं ना, उन्हें कभी वो हटा भी नहीं सकते अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस वजह से आपकी भी याद उनको हमेशा आती रहेगी। फोर्थ है आपका प्रपोजल, या फिर आपके कहे तो मेमोरी गिफ्ट, यानी आप मेमोरीज गिफ्ट जो देते हो वो कैसे होने चाहिए। आपकी पहली मेमोरी, आपकी पहली मुलाकात, आपने जब उन्हें पहली बार देखा था, या फिर पहली बार आप जहाँ मिले थे, बहुत ऐसी चीज़ें होती है ना जो पहली दफ़ा होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मेमोरेबल गिफ्ट आप दोगे तो काफ़ी उन्हें पसंद आती है। चाहे वो आपने सबसे पहले उनके लिए कुछ फील किया था वो आप उन्हें दे सकते हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, यानी आपकी जो बेस्ट मेमोरी होती है ना उनके साथ, वो गिफ्ट आप उन्हें दो। अब आप ये डिसाइड करो कि आपकी बेस्ट मेमोरी उनके साथ क्या रही। तो मेमोरीज गिफ्ट जो होती है वो हमेशा यादों में रहती है और वो हमेशा आपकी ही याद उनको दिलाएगी। अब हम बात करें ज्वेलरी के गिफ्ट की, यानी डेकोरेटिव गिफ्ट की। खुद को सजाना या उनकी लाइफ को सजाना, ये होती है डेकोरेटेड गिफ्ट। अब डेकोरेटेड गिफ्ट का आइडियाज़ के बारे में हम बताऊँ, अगर आप गर्ल्स को देना चाहते हो, गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट डेकोरेटेड गिफ्ट होती है उनके लिए पायल, यानी एंकलेट। एंकलेट की उनकी बॉन्डिंग जो आपसे काफ़ी अच्छी बनी रहेंगे, क्योंकि लड़कियों को पायल काफ़ी पसंद होता है और जब भी वो उन्हें पहनेगी ना, उनकी घुंघरू की छनक जब भी होगी आपकी याद उन्हें ज़रूर दिलाएगी। तो ज्वेलरी के मामले में सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है एंकलेट। मेरे सजेशन से ज़रूर दे के देखो, आपके लिए वो बहुत खुश होंगे। आपका जो फिफ्थ नंबर का जो गिफ्ट आइडिया है वो क्या है? अब बात करते हैं ना सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट, यानी कि आपकी जो हो गई मेमोरीज गिफ्ट, लव मेमोरीज गिफ्ट। अब बेस्ट प्लेस गिफ्ट भी आप इसे कह सकते हो, यानी कि जो भी निशानियाँ हैं, जो भी निशानियाँ मेमोरीज है, सपोज ताजमहल कह ले, या फिर वो ऐसी जगह जो उन्हें काफ़ी पसंद है और उनका ड्रीम है, या फिर वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद लगती है, ऐसे कुछ चीज़ें उन्हें दिया करो। ताजमहल तो सभी कोई देते हैं, आप भी एक बार ट्राई करो। ये गिफ्ट जो हमेशा से दी जाती है, किन्हीं का ड्रीम होता है कि वो कहीं पहाड़ियों पर वादियों पर जाए, तो ऐसी चीज़ें जो है उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया करो, ताकि उन्हें ये पसंद आए और उन्हें जो भी चीज़ पसंद होती है वो चीज़ें आप गिफ्ट के रूप में ज़्यादा दिया करो, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ आपको पसंद होती है वो चीज़, उन चीज़ों को आप हमेशा अपने साथ रखते हो, उन्हें कभी आप फेंकोगे नहीं, कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुँचने दोगे, या फिर उसे बहुत केयर करके रखोगे। तो जितना वो उनको केयर करेंगे, आपके प्यार को भी और आपके फीलिंग्स को भी उतना ही केयर करेंगे। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा और आखिरी गिफ्ट का आइडिया है वो है फ्लावर्स, यानी फूल। फूल कैसे हो, कौन से फूल दें? तो बताया गया ना, प्यार पे तो गुलाब का फूल ही चलता है, यानी रेड रोजेस। तो रेड रोजेस आप पूरा बुके मत दिया करो। अब आप कहोगे बुके मुझे देना है, नहीं, आप सिंगल रोज़ दिया करो। सिंगल रोज़ की बात ही कुछ और होती है। आपको बताऊँ कि आप हमेशा से जब एक सिंगल रोज़ देते हो ना, तो उन्हें फील कराते हो कि आप लाखों में हमारे लिए एक हो, इसलिए हमने आपको एक सिंगल फूल दिया और एक गुलाब का फूल दिया आपके लिए। तो वन सिंगल रोज़ काफ़ी कमाल करता है एक पूरे बुके से, तो आप सिंगल रोज़ दिया करो, काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप गिफ्ट दिया करो। ये 21st सेंचुरीज के आइडियाज़ हैं, इसे अपनाओ, अच्छा लगेगा और ज़रूर दो अपने लव को। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा लगा गिफ्ट का, ज़रूर बताना, और आपने दिया या नहीं अभी तक वो भी ज़रूर कहना। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।